नमस्कार, मैं हूं देवांजी मोइत्रा। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक धमाल मचाने के लिए तैयार। लीग में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ी 13वें सीजन में अपना जलवा बिखेरने के लिए बेकरार और इसके लिए वो लगातार तैयारियां भी कर रहे। हालांकि लॉकडाउन के चलते क्रिकेटर लंबे समय से मैदान से दूर, ऐसे में उनके पास फिटनेस और टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने का ज्यादा समय नहीं बचा। लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि आईपीएल से पहले खिलाड़ियों के पास अपनी फिटनेस और स्किल को तैयार करने के लिए पूरा समय है। रोहित ने बताया, उम्मीद है इस सप्ताह जिम खुल जाएंगे और मैं अपने इंडोर सत्र शुरू कर सकता हूँ। अभी मुंबई मानसून के कारण आप आउटडोर प्रशिक्षण नहीं ले सकते। मैं एमसीए को एक पत्र लिखने की योजना बना रहा, हमारे पास बहुत समय है, मैं धीरे धीरे वापसी करना चाहूंगा। सौभाग्य से किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं, हमारे पास पर्याप्त समय, मैं धीरे धीरे मैदान पर वापसी करूंगा क्योंकि दुबई में तापमान 40 डिग्री है, यह आसान नहीं है। रोहित ने आगे कहा, यह पहली बार है जब इतने लंबे समय से मैंने अपना बल्ला हाथ में नहीं लिया है, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। जब तक मैं नहीं खेलता मुझे नहीं पता कि मैं कहां खड़ा हूं, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक है। मैं पिछले 4 महीनों से शारीरिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूं। आपको बता दें कि रोहित को आईपीएल में धोनी से भी सबसे सफल कप्तान माना जाता है। उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 4 बार आईपीएल ट्रॉफी का विजेता बनाया, जबकि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बार ही खिताब दिला सके।